नमस्कार, मैं हूं प्राची खंडेलवाल। इस वक्त हम मौजूद है उत्तर प्रदेश में। देखिए, राहुल गांधी को चुनाव आयोग ने एडवाइजरी जारी की है और उन्हें थोड़ा सोच समझकर बयान देने के लिए कहा गया है, क्योंकि उन्होंने पीएम मोदी के लिए जेब कतरा और पनौती जैसे शब्दों का, अभद्र शब्दों का प्रयोग किया है। तो आइए आज हम जनता से उनकी राय जानते हैं कि राहुल गांधी के ऐसे बयान देना कितना उचित है। राहुल गांधी जो है वो प्रधानमंत्री मोदी को जेब कतरा पनौती ये सब बोल रहे हैं, तो आपको लगता है ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग करना सही है? नहीं, अभद्र भाषा का प्रयोग तो नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली सेम, मतलब अभद्र भाषा का तो क्यों ही उपयोग करना चाहिए। मतलब इतने बड़े मंच पे हैं वो लोग, उनको लोग आइडलाइज भी करते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं लोग उनसे। जैसे आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हैं मोदी से और बीजेपी गवर्नमेंट से, जो भी पॉलिटिक्स चल रही है। छोटे छोटे बच्चे कॉलेज से निकल रहे हैं और वो लोग भी वैसे ही मतलब मजाक उड़ाते हैं, तो मेरे को लगता नहीं कि ऐसे बात करना ठीक है। ये तो गलत है, पर गलत है, आई एम नॉट एग्री विद दिस। ये बिल्कुल गलत है। वो जैसे भी है देश के राष्ट्र प्रधानमंत्री है, देखो जैसे भी है प्रधानमंत्री है, वो किसी के भी हो, विपक्ष के हो या पक्ष के हो, वो सभी के हैं, उनका आदर सभी को करना चाहिए। अगर आगे चल के राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री बनेंगे, अगर प्रधानमंत्री मोदी, मुझे नहीं लगता कि वो इस भाषा का उपयोग करेंगे कभी, बिल्कुल नहीं लगता, नहीं करना चाहिए उनको भी। मैं भी यही सलाह देता हूँ कि नहीं करना चाहिए इस भाषा का उपयोग। पॉलिटिक्स में चीज़ें चलती रहती हैं, बट वो जिस लेवल पे हैं, जिस पोस्ट पे हैं, उनके लिए ऐसी चीज़ें यूज़ नहीं करना चाहिए किसी को भी। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि देश के वो प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए ऐसा अभद्र भाषा का प्रयोग करना बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नहीं, ये ऐसी भाषाएँ नहीं प्रयोग होनी चाहिए। लेकिन कुछ हिसाब से देखा जाए तो काम के हिसाब से कुछ गलत नहीं कहा है। नहीं, बिल्कुल सही। मैं ये नहीं मानता कि ये सही है, क्योंकि इतने बड़े राष्ट्रीय नेता को और आप जो उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वर्ल्ड वाइड, जो लोग उनको जानते हैं और लोग उनको देख के इन्फ्लुएंस भी होते हैं, और पब्लिकली उनको इस तरह से बोलना मुझे नहीं लगता ये उचित है। बेसिकली उनको पता होना चाहिए कि वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनको खुद ही अक्ल नहीं है कि हमें बोलना क्या है। किसी के प्रति अगर इस तरीके के वाक्य आप लेके आते हो, कल को अगर आप भी जाते हो किसी तरीके से देश के प्रधानमंत्री बनने के कगार पे, अगर आप जाते भी हो, बन भी जाते हो, और आपके लिए बोलेंगे तो आपके लिए क्या बोलेंगे? पप्पू ऐसे शब्द यूज़ करेंगे, पप्पू प्रधानमंत्री बन गया। तो आप खुद सोचो कि एक इंसान के बारे में आप बोल रहे हो, एक इंसान देश के लिए लड़ रहा है और आप सिर्फ देश में ही मर रहे हो। पहले ये तो देखो कि देश के लिए क्या करना हो, देश में आगे क्या करना है, आगे बढ़ के तो देखो। पहले वर्ल्ड में कहाँ इंडिया पहुँच चुकी है पहले वो देखिए। आपके टाइम पे क्या था, इंडिया को कोई पूछता भी नहीं था। आपके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, मनमोहन सिंह जी क्या करते थे, चुपचाप खड़े हो जाते थे। एटलीस्ट कम से कम बीच में शेर की तरह खड़ा तो है बंदा, दिख तो रहा है कि सामने की क्या है क्या नहीं है बोलने वाला। अगर सामने वाला बंदा दिखेगा, उसकी एक पर्सनैलिटी अलग है, उसका बोलने का रवैया, उसके बात करने का तरीका, साथ खड़े रहने का तरीका। आज वर्ल्ड इंडिया के साथ खड़ा हुआ है पूरा वर्ल्ड। उस टाइम पर कौन कौन खड़ा था आप बता दो? कोई नहीं खड़ा था, सोचिए आप। तो इस चीज़ के अगर आप इस तरीके के अपशब्द आप लेके आ रहे हैं अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए, आई थिंक मेरे हिसाब से ये आपके पारिवारिक, जिसे कहते हैं ना, संस्कारों का फ़र्क है और कोई बात नहीं। अगर हम बात करें मोदी जी के संस्कारों की, उनका अलग ही संस्कार है, ये पारिवारिक से हैं, देश की समस्या को लेकर चलते हैं, देश को परिवार बना के चलते हैं। पर हमारे गांधी परिवार कभी भी गांधी परिवार तो सिर्फ गांधी परिवार ही रहा है, देश परिवार तक भी रहा ही नहीं है शुरू से। ये बिल्कुल गलत है ना, ये ठीक है, वो पीएम है राइट, उनके लिए ठीक है, कोई भी है ना, कुछ भी ठीक है बोल सकता है, ठीक है ठीक है, वो पीएम, ठीक है, जैसे भी वो पीएम है राइट, जो किया उन्हें गलत बोला है, वैसे नहीं बोलना चाहिए। प्रधानमंत्री को कोई भी पीछे गाली दे देता है, मुंह पे देके देता हूं ना, जिसके अंदर था मैं मुंह पे बोलो, उनके मुंह पे वो देता है, जब संसद में तो उसे जवाब भी तो मिल जाता है, जवाब अच्छे अच्छे मिलते हैं उन्हें। ये तो था सिर्फ एक मुद्दा, लेकिन ऐसे ही और मुद्दों पर देश की जनता क्या सोचती है इस बारे में कनेक्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ कनेक्ट।